किसने सोचा कि पान खा सकते हैं? वो शुरुआत कहाँ से हुई? नहीं देखिए, जहाँ तक मेरा किस्सा है वो बड़ा अजीबोगरीब है। वो चुटकुला आप सबने सुना होगा कि लड़का पान खा के घर में गया और उसकी मूछें अभी आनी शुरू ही हुई थी, तो लोगों ने पूछा अरे आपका लड़का पान खाता है? तो उसके दोस्तों ने कहा नहीं, पान तो नहीं खाता, पान तब खाता है जब जुए की खली में बैठा होता है। उनका आपका लड़का जुआ खेलता है? उनका नहीं, जुआ तो तब खेलता है जिस दिन चोरी में कुछ हाथ आ जाता है। अरे हाय राम, वो चोरी करता है? नहीं, चोरी तो वो उस दिन करता है जिस दिन नशे में थोड़ा गाफिल होता है। नशा करता है? अरे नशा तो उस दिन करता है जिस दिन मुजरा देखने गया होता है। तो मेरी कुछ कुछ स्थिति ऐसी थी कि घर में पिताजी पान खाते थे, वो न मुजरा देखते थे न पता नहीं और क्या करते थे या नहीं करते थे, मगर घर में उनको पान खाता देखकर हमारा पान खाने का बड़ा मन करता था। और बाद में जब हम लोग हॉस्टल में थे तो पान से ज़्यादा सिगरेट पीते थे। तो अब यहाँ तो शराब का जिक्र इस देश में, इस प्रदेश में करना बड़ा गुनाह है, मगर सिगरेट की बदबू तम्बाकू की मुँह से छुपाने के लिए पान खाते थे, तो पान खाना छोटा पाप था, मतलब बड़ा पाप नहीं था। मगर तब भी हाल ये था कि अगर आप पनवाड़ी की दुकान पर खड़े पाए जाएंगे तो पड़ोसी मोहल्ले वाले घर जाके कहते थे अपने लौंडे को संभालो, वो पान वाले की दुकान पर खड़ा नज़र आ रहा है। तो मुझे बचपन से एक कुतूहल था कि पान एक ऐसी चीज़ है जो बड़े खा सकते हैं, आपकी आज़ादी का प्रमाण है, और एक शौक़ ऐसा है जो शायद मासूम भी है और थोड़ा उसके साथ गुनाह भी किया जा सकता है। तो एक बार मैं जब दिल्ली आया तो वो बड़ा विचित्र किस्सा है, बंगाली मार्केट में एक जवाहर मूछों वाले पान वाले थे, तो उनसे पूछा आपके यहाँ पान किस किस भाव के हैं? तो उन्होंने सन 65 में आज से आधा सदी पहले कोई 50 रुपये का एक पान बताया। तो मैंने कहा खिलवा दीजिए एक बार, बहुत कोशिश करके गुल्लक गुल्लक तोड़ के पैसे ले गए। उन्होंने कहा मियाँ जब तुमको अभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब खा लेना ये पान। तो मैंने पूछा पान की तासीर क्या है? तो बच्चे बच्चे न बैठे हो यहाँ, उनका ये बेटा पलंग तोड़ पान होता है ये। तो तब से मेरे मन में ये और कुतूहल हुआ कि ये पलंग तोड़ पान, अब देखिए अब तो सर में बाल भी नहीं है, सफ़ेदी है, दाढ़ी भी, अब उस पान की ज़रूरत बहुत सख्त है, मगर वो पान बेचने वाला कहीं नज़र नहीं आता है। जहाँ इन्होंने कहा कि किस्सा शुरू कहाँ होता है, जहाँ किस्सा शुरू होता है वहीं किस्सा ख़त्म होता है, कि पान बचपन से मुझे लुभाता रहा है। और आज भी जब मुझे लगा कि इन्होंने कहा कि पान का किस्सा होगा, तो मैंने कहा जब तक पान खाने खिलाने का माहौल न बने तो बातचीत से कोई मतलब बात बनती नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ये राजू भाई गोवर्धन के रहने वाले हैं और ये कुछ नया पान यहाँ लेके आए हैं, चलने के पहले आप लोग इसका स्वाद भी उठाएँ, और जैसा पान की दुकान का रिवाज है कुछ न कुछ देते जाएं, ऐसा ना समझे कि लड़की की शादी है, पान खा के आप बराती की तरह विदा हो रहे हैं। तो हमारे साथ राजू भाई भी आए हुए हैं जो थोड़ा सा भी पान साफ कर रहे हैं। सो जस्ट टू लेट यू नो दैट दिस गोना बी लाइक अ ह्यूज राउंड ऑफ पान अवेलेबल फॉर एवरीवन एंड इट इज नॉट फ्री, यू नो गुजरात में एवरीथिंग इज लाइक फ्री मींस इट्स डबल बोनस, बट व्हाट ही इज गोना डू इज इवेंचुअली इन द डिस्कशन वी आर गोना रोप इन राजू भाई एज वेल to talk about the generation of paan selling and what has happened. But my next question is, kyunki aapne palang tod paan ki baat ki, hamara jo generation hai Pushpesh ji, humne paan hamesha bade filmi tarike se dekha hai sir. उमराव जान जो है पान को बिल्कुल नाजुक तरीके से जो करके देखिए, मैंने तो अपनी सफ़ेद दाढ़ी और गंजी चाँद का जिक्र किया था, अब आपने उमराव जान का जिक्र कर दिया तो 30 साल पुरानी फिल्म है, मुझे लग रहा खाला जान आपकी भी उम्र 60 के पार की होगी, ऐसे ही लग रहा है सर, पर मैंने कंप्लीट नहीं किया सर मैं। नहीं देखिए, मुझे जो उमराव जान से पहले की फिल्म याद आती है सन 64-65 की, शैलेंद्र की जो थी तीसरी कसम, उसकी एक बड़ी बढ़िया नौटंकी है जिसमें वहीदा रहमान नाचती है पान खाए सैया हमार मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल। अगर आप उसको याद करें तो आपको लगता है कि पान खाने का तमीज़ या पान खाने की तहजीब क्या थी। पान खाने की तहजीब वो थी जो पान खाता था उससे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो छींट अपने मलमल के कुर्ते पे नहीं डालेगा। वो अमेरिका के एक वाइस प्रेसिडेंट थे स्पीरो इग्नू, जो जब दारू ज़्यादा पी लेते थे तो जब वमन करते थे तो उनको रेनबो स्पिट कहा जाता था। तो अगर पान खा के आप थूकने की ज़रूरत पड़े तो आपको पान खाने की तमीज़ नहीं, आप भैंस बन के जुगाली करिए कहीं। ऐसे एक और नवाब साहब थे जो चौधरी के चाँद सरीखे थे, सन 64 की फिल्म है, वो जाके कहने लगे किसी तंबोलन से कि पान लगा दे, तो उसने जूती उतारी, उसने कहा मेहरबान जूतियाँ लगाई जाती हैं, पान बनाया जाता है। तो वो ज़ुबान में फ़र्क था। अब हमने ये चर्चा शुरू किया तो मैंने इनसे अनुरोध किया कि प्रीति किसी न किसी बहाने वो जो पान की तहजीब है जो आज की पीढ़ी है, इनको उमराव जान याद आ रही है, मुझे चौधरी का चाँद याद आ रहा है, मुझे खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला याद आ रहा है,
मगर उससे अच्छा एक गाना पान वाला है, जो फिर वही चरित्र वाला प्रश्न है, अपने अपने चरित्र का सवाल है। मैं तो दुश्चरित्र व्यक्ति हूँ, उल्टा लड़की हूँ, कहाँ मेले में फंस गई हूँ यहाँ। तो उसने कहता है कि रंग बरसे में कि लौंगा इलायची का बीड़ा बना के खाए गोरी का यार बलम तरसे। तो मतलब कहीं ना कहीं जो पति के साथ विश्वासघात है वो पान के साथ जुड़ा है। अब वो पान की कहानी है कि मास्टर मदन नाम का एक लौंडा हुआ करता था, बड़ा कमसिन, नहीं वो मतलब शौकीन लोग बैठे हैं यहाँ हंस रहे हैं उसको याद करते हुए। तो मास्टर मदन के गले से जो दुखी गाने वालियाँ थीं लाहौर की, कहते हैं उन्होंने उसके पान के बीड़े में पारा उसको खिला दिया कि वो उसका उतर जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, वो मर मरा जाए। तो पान में धतूरा खिलाते थे, पान में पारा खिलाते थे। और पान के साथ दिक्कत ये थी कि पान की तहजीब की जो हम बात कर रहे थे, बड़े बड़े संगीतकार थे, वो एक साहब से मैंने पूछा कि आपने रियाज कैसे की, तो उन्होंने कहा हमारे जो गुरु थे वो हमसे अपने पीकदान को साफ करवाते थे। तो वो स्वामी भक्त गुरु भक्ति का प्रमाण ये था कि यदि आपने गुरु की पीकदान धैर्य और भक्ति से साफ की तो तब वो आपको दो चार स्वर, दो चार आरोह अवरोह बता देंगे। अब पीकदान की आप बात करें तो आप बीदरी में जाएं तो आपको बीदरी के काम के पीकदान मिलते हैं, जहाँ वहाँ की काली मिट्टी, वहाँ की चांदी, उसको भट्टी में पकाकर पीकदान बनता है। अब पीकदान को आप उगालदान न समझें, वो पान की पीक है और पीकदान और उगालदान में फ़र्क है। ये यहाँ पे जो है ये पंडब्बा है, ये पानदान नहीं है। पानदान होता तो चांदी का होता, ताजी की शक्ल का होता, मगर इसमें कत्था, चूना, सुपारी आदि बनी है। हमारी भाषा का मुहावरा आप देखिए, आप कहते हैं सुपारी देना, तो किसी ने आज मुझसे सवेरे पूछा कि सुपारी तो बड़ी पवित्र चीज़ है, पूगी फल है, पूजा में चढ़ता है, वो सुपारी दे के आप किसी की हत्या करवाते हैं। तो मैंने कहा कि चोरों के बीच में भी एक धर्म होता है कि अगर मैंने आपसे वचन लिया है कि मैं आपके दुश्मन की हत्या कर दूंगा, तो ये मेरी कसम खुदा की कि ये सुपारी सामने है, इसको साक्षी रख कर मैं ले रहा हूँ। अब आप देखिए, ये माफिया डॉन अगर हैं तो वो सुपारी दे रहे हैं या ले रहे हैं, मगर अगर राजपूत राजवंशी हैं आज से हज़ार साल पहले के, तो वो बीड़ा उठा रहे हैं। तो बीड़ा उठाना क्या था कि एक नौजवान आदमी को ऐसे मिशन पर भेजा जा रहा था जहाँ से लौट के वो सलामत नहीं आ सकता था। तो है कोई माई का लाल जो पान का बीड़ा उठाए और कहे, तो वो एक तश्तरी जाती थी, जो बीड़ा उठाता था वो वॉलंटियर था कि मैं सुसाइड मिशन में जा रहा हूँ। तो बीड़ा उठाना मुहावरा था, सुपारी देना मुहावरा था। जैसे इन्होंने कोशिश की कि चूना लगाना भी होता है, चूना लगाना भी होता है, और मेरे ख्याल में धोखा देना किसी को इस तरह से होता है। और मुझे एक बचपन से बात समझ में नहीं आती है, पान की दुकान पे जाएं, मैं आपको अपना एक अनुभव बतलाता हूँ। मैंने एक अच्छा पान खाया बनारस में एक बार, और मैं 5-7 साल बाद वहाँ गया, उस पनवारी ने मुझे यूँ ऊपर से नीचे देखा और कहा, मगई मुलेठी इलायची ना। मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया कि एक बार मैं उसकी दुकान पर गया था और उसने मुझसे पहली बार पूछा था आप क्या पान खाएंगे, तो मैंने कहा मगई पत्ता इलायची मुलेठी। अब शायद मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने बिना चटनी, मुरब्बे, अचार, 56 मसालों की चाट के पान मांगा था, उसे याद रह गया था। मगर मैंने ये एक से अधिक बार देखा कि जो चौरसिया लोग होते हैं पान लगाने वाले, अब आप पूछिए इनको चौरसिया क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे खाने में 6 रस हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, तीता, कसैला, और जगह 4 स्वाद हैं। पान में 4 स्वाद होते हैं, इसमें मिर्च नहीं होती और इसमें नमक नहीं होता। मगर अगर आप गुजराती हैं तो आप तो मीठू तो डालेंगे ही डालेंगे, आप उसमें धाणानी डाल देंगे जो नमकीन होगी, तो कहीं ना कहीं वो पंचरसिया हो जाएगा। मगर चूंकि ज़्यादातर पान यहाँ चलता नहीं, नागर ब्राह्मण खाते हैं, तो बाकी जगह चौरसिया ही चौरसिया कहलाते हैं। तो ये बड़ा मज़े का है। अब फिर इसमें कई चुटकुले हैं कि जैसे वो खाए गोरी का यार बलम तरसे है, तो एक मुझे लोकगीत याद आता है उत्तर प्रदेश का कि सरोता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोइया। तो वो रहस्य क्या है आप देखिए कि जैसे आलू मेथी की भुजिया गरम होती है, वो गरम का मतलब वो जलाने वाली गरम थोड़ी होती है, उसकी तासीर गरम होती है जो आपके मन में बुरे बुरे व्यभिचारी विचार डालती है। तो जो ननदोइयाँ हैं वो पति से छुपा कर लाए जा रहे हैं। और एक दूसरा पहाड़ी लोक संगीत है, अगर आप कभी पूना जाएँ तो वहाँ राजा दिनकल केरकल संग्रहालय है, जहाँ खाना बनाने के पात्र हैं, वहाँ सरोते हैं, वहाँ एक सरोता है जिसमें ऊपर पुरुष है, नीचे स्त्री है, जितनी बार आप काटते हैं तो संभोग से समाधि की तरफ पहुँचते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरोते, पान, बटुए, हरे के साथ एक शास्त्र था कि किसी से कुछ कहना सुनाना, कुछ और क्या हो रहा है। पहाड़ में एक लोकगीत है, वो कहता है आप पीता है बीड़ी मुझे, आप खाता है पान सुपारी मुझे खिलाता है बीड़ी, मुझे पिलाता है बीड़ी। और फिर एक पक्ष है कि सड़ी सुपारी बंगला पान, बूढ़े खसम का इतना गुमान,
अब अगर आप देखें तो जो बंगला पान है उसकी आकृति कुछ यूं ही समान है, और जो सुपारी है उसका हम नहीं उल्लेख करेंगे कि उसका साम्य किस चीज़ से होता है, मगर अगर सुपारी सड़ी है बूढ़े पति की तो बंगला पान संतुष्ट कहाँ से होगा। तो हमारे भाषा में जो पायजेब हमारी है उसमें पान की डिज़ाइन है, साड़ी है उसमें पान की पत्ती है, ताश के पत्ते हैं तो उसमें चिड़ी का गुलाम भी है और पान की बेगम भी है। तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में पान इतना रच बस गया है कि हम पान के बारे में, हमारी वर्तमान पीढ़ी अगर ठीक से नहीं सोचती है तो बड़ा बुरा लगता है। उसका कारण क्या है? हम ये भूल गए हैं कि पान हमेशा से हमारा नहीं था। आज से 2000 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया से ये बेल हिंदुस्तान आई और इसका नाम था नागवल्लरी। इसका नाम नागवल्लरी यूँ था, अगर आप कहीं भी आप पान की खेती देखने जाएँ तो पान की बेल में जिसे कोबरा का हुड होता है, पान का पत्ता दिखता है, उससे वो पूजा पाठ में घूसखोरी तक है। जो चपरासी आपसे घूस मांगता है तो कहता है कुछ पान बीड़ी का इंतजाम करके चले जाओ, अच्छा कुछ पत्रम पुष्पम तो हो जाए, तो पत्र पान का ही पत्ता है। और जो पार्वती जब शिव के वर की आराधना करती हैं कि शिव मिले, तो वो सुपर्णा अपर्णा बन जाती हैं। तो हमको लगता नहीं कि ये कभी हमारा नहीं था और आज हमारा है। अब अगर आप पान खाने के शौकीन हैं तो अब आप ये मुझे चॉकलेट का पान खाना, अरे भैया चॉकलेट का पान क्यों खा रहा, चॉकलेट ही खा लेना। मतलब ये शाकाहारी गुजरात है, लोग कहते हैं हमने बड़े अच्छे मांस के मसाले में ये सब्जी बनाई है। भैया अगर मांस के मसाले भी इतनी लार चू रही थी तो थोड़ा धर्म भ्रष्ट कर लेते, मांस ही खा लेते। तो अब वही स्थिति ये है कि आप पान खाते हैं मगर सोचते नहीं कि आपने पत्ता कौन सा मांगा। आपने मगही मांगा, जगन्नाथी मांगा, देसी मांगा, बांग्ला मांगा, कर्पूरी मांगा, सांची मांगा, सोफिया मांगा या और कुछ मांगा, उसमें चिकनी डली पड़ी या कत्थे में पकी काली डली हैदराबादी पड़ी, उसमें इलायची पड़ी। और अगर आप शौकीन हैं तो तम्बाकू कौन सा है, इत्तदा खां मुत्तदा खां कन्नौज के इत्र फरोश का इलायची दाना है, जिसमें छोटी इलायची के दाने में चांदी का वर्क लगाकर तम्बाकू के पानी में भिगा कर नफासत होती है, या आप काली पत्ती खाते हैं दबा के रत्ना छाप 300 नंबर और जर्दा और पिच पिच थूकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका पूरा तंत्र है कि आप कत्थे की मलाई खाते हैं, चूने को दूध में बुझाते हैं, पत्ता अच्छा होता है, सुपारी हाथ से काटते हैं और उसको आप गुलकंद वुलकंद नहीं डालते हैं और चैन से खाते हैं। तो मेरे ख्याल में पान खाने का एक शिल्प है, पान खाने की कला है, पान खाने की तहजीब है। और आप सुपारी से काटते रहते हैं, वो बंगाली पान कैसे खाता है, दरभंगा में मैथिल ब्राह्मण कैसे खाता है, और दक्षिण भारतीय अगर आप हैं तो आप एक वीड़ा खाते हैं जिसमें गुलाबी रंग का चूना होता है, मेरे तो समझ में नहीं आता कोई दीवार में गारे के लिए था या पान में लगाने के लिए था, उसमें नारियल का बुरादा भरा और कहा कि खा के जब आप उडुपी के रेस्टोरेंट से निकल रहे हैं तो आपने सोचा मुफ्त का था, उसका नहीं इसके 5 रुपये और लगते हैं। तो वो वीड़ा भी है दक्षिण भारतीय, और गिलोरी भी है, और गिलोरी में चांदी का वर्क भी है और सोने का वर्क भी है। तो पान के मतलब अनेक आयाम हैं। तो आप वो वीडियो दिखा दें पहले जो जी बिल्कुल। व्हाट वी थॉट इज वी वुड यूज द हिंदी फिल्म रूट टू टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ पान एंड व्हाट वी हैव सीन। शिवन कैन वी हैव द वीडियो? वी जस्ट कंपाइल्ड अ फ्यू वेरी पॉपुलर सॉन्ग्स टू डू विद पान एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हेन आई वाज टॉकिंग टू पुष्पेश जी, ही सेड कि तब खत्म हुई जब पान बाहर जो चीज है वो आ गया। सो मे बी आफ्टर द वीडियो वी विल आस्क हिम मोर अबाउट दैट। पर भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। पर ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खैके पान बनारस वाला, ओ खैके पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खैके पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। खाइके पान बनारस वाला, खाइके पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। वो खाइके पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा
चाल हछोरा 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 गंगा किनारे वाला हछोरा गंगा किनारे वाला पान खाए भैया हमारो सौली सूरतिया होठ लाल लाल हाय हाय मलमल का कुर्ता मलमल के कुर्ते पे एक बात कहना तो भूल ही गए घबराइए नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए ओ पान पराग हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं ये लीजिए पान पराग पान पराग पान मसाला पान पराग बेस्ट ऑफ लक एजेंट Never goes out of style. So basically the entire journey which is very interesting paan ke patte se leke paan ke dabbe tak jo dahej mein diya jata hai ya masculinity ka prateek hota hai paan seems to have come a long 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 journey to main pehle ek ek sawal puchna chahti hu ki amitabh aur shahrukh dono apne gaane mein kehte hain ki paan khane ke baad aa gayi hamari jaan mein jaan aisa karta kya hai paan aapke sath jo you feel all charged up and all energetic dekhiye wo paan ho ki kutiya ka kaan ho उसकी तासीर इस पर डिपेंड करती है खाने वाला उसके बारे में सोचता क्या है इसमें अगर आपने देखा तो पान में जब वहीदा रहमान नाचती हैं और अद्भुत नाच रही हैं तो वो कहती हैं मैंने मंगाया था क्या और वो जालिम क्या ले आया तो अगर आपके पान में जर्दा पड़ा है बनारस का तो आपका दिमाग तो घूम ही जाएगा अब वो शाहरुख खान हो उनकी शान में मैं भेद भी नहीं कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की शान में तो भेद भी करने की गुस्ताखी मेरी साथ पुछते नहीं कर सकती मगर दोनों पान ऐसे खाने की ज़िंदगी में जैसे पान कभी देखा ही ना हो मतलब वो 16 साल की लड़की भी उनको नहीं दिखी थी कभी लड़का भी नहीं दिखाता चिकना और पान भी नहीं दिखाता कभी तो वो पान खा के इतने बावरे हो गए हैं कि वो एक एस्पिरेशनल है कि मैं पान खाता हूँ मैं पान खा रहा हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पक्ष है कि आप अगर पान में क्या डालते हैं वो अपने आप में आपके दिमाग का ताला खोलता है कि अगर आपका गला ख़राब है देखिए कल तो आपका भी गला थोड़ा ख़राब था तो उसमें मुलेठी अगर आप डालेंगे तो उसकी तासीर एक होगी मगर आपने अगर हल्का गर्मी आपने महसूस करनी है तो आप अगर कच्ची सुपारी उसमें डालेंगी जो तांबूल नॉर्थ ईस्ट में होता है उसका अपना एक फर्मेंटेड सुपारी का खमीर का नशा होता है और यदि आप उससे ज़्यादा नशा चाहती हैं तो उसमें इलायची दाना नहीं होगा उसमें 0 नंबर से 600 नंबर तक का तम्बाकू होता है वो आपने डाला होगा उसका मज़ा अपना अलग होगा अगर आपने उसमें लौंग इलायची डाली होगी थोड़ा पेपरमिंट डाला होगा तो उसका मज़ा एक और होगा तो आपके बंद दिमाग का ताला कुछ तो इस कारण खुलेगा कि आपने जो वर्जित था वो काम किया था उसके बाद आपकी हिम्मत बढ़ गई ना आज पान खाया कल दारू पीऊँगा परसों मुजरा देखूँगा फिर जुआ खेलूँगा वाली बात हो रही है
तो जब आप किसी को पटाते हैं घर में पार्टी के लिए ले जाते हैं तो आप कहते हैं पहले चॉकलेट होगी, फिर कैंडल लाइट डिनर होगा, फिर सॉफ्ट म्यूजिक होगा, फिर उसके बाद भी देखूंगा आगे धंधा कहाँ तक पहुँचता है। तो वो जो मन का कल का ताला खुलता है वो पान खाने से ऐसे खुलता है कि जो हंसी सो फंसी, अगर उसने आपके हाथ का पान खा लिया तो फिर बच के कहाँ जाएगी। और पान बाहर की आप बात कर रहे थे, when it finally became, I don't know, solidified box, and you said that was the end of it. That is really the end of the pan eating culture. क्योंकि आपने जब ये कहा कि वो उठा के डब्बा फेंकता है और खलनायक चित होता है, तो वो खलनायक चित नहीं होता, बल्कि मशीन की कंज्यूमर कल्चर की एक डिबिया पान को चित कर देती है। क्या बात है? उसके बाद न तो आपको पान की दुकान में जाने की जरूरत है। आपने कहा कि मुझे उसके पहले अभी शैली भाई वो चिट्टा वे की बात कर रहे थे कि वो चिट्टा वे भी नहीं है, वो तो जो गुलाबी गुलाबी पाउडर इसमें है, तो उसका हाल ये कि गर्द करे ना मर्द मानुसा जो स्मैक के खिलाफ विज्ञापन छपते थे कि अगर आपको दो चुटकी आपने अपने मुंह में जहाँ दबा लिया पान परा, तो उसने वो लोग कहते हैं ना छिपकली की दुम पड़ी है, बड़ा मज़े का नशा है, कोकीन की एक लेस दी हुई है, एडिक्टिव है, तो कहीं ना कहीं उसमें वो जो एडिक्टिव एलिमेंट है, तो पान की तहजीब के साथ जो एटमोसफियरिक्स जुड़ी थी वो सब तो नष्ट हो गई। और आपने मुंह में दबा दिया, आप खैनी के बराबर मलने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। तो मुझे लगता है वो था अंत पान की दुकान का और पान के कल्चर का, पान की संस्कृति का। तो वो मुझे लगता है कि दुखद घटना थी कि जब आपने पान पराग हो, रजनीगंधा हो, मानिक चंद हो, सब कहीं आपके स्पॉन्सर तो नहीं इनमें कोई नहीं, क्योंकि ये हुआ था, आप लोगों को याद पड़ेगा जब मानिक चंद स्पॉन्सर हुआ करते थे फिल्म फेयर अवार्ड के, तब वो टैक्स रेट वेट पड़ा था उनकी मेबैक कार को लेकर, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को फिर वापस लेना पड़ा था आपके, ये हमारे स्पॉन्सर नहीं है। मगर अब इसको मिलाकर अगर आप देखें तो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस इसमें कितने हैं जिससे कैंसर पैदा होता है। तो बेचारे पान में क्या था, चूल्हा कत्था था, ज़्यादा ज़्यादा जुबान कटती थी और तो कुछ नहीं होता था। अब इसमें ये कि आप खा रहे हैं और प्री कैंसरस लीजन्स चेहरे में हो रहे हैं मुंह के भीतर, और डॉक्टर वाही का रिसर्च वर्क है कि मैनपुरी में जो सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर होता है वो तमाखू और इसके कारण होता है, सबसे सड़ी सुपारी जाती है, उसमें बगला पान जाता नहीं जाता पता नहीं, मगर उसमें सब जहरी जहर है, तो मतलब सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, आर्टिफिशियल इन्हेंसर्स हैं। तो मेरे ख्याल में पान पराग, पान बहार, पान मसाला कहिए उसे जेनरिक, तो उसके बाद पान का अंत हो गया। आपने मुझे एक और दिलचस्प बात बताई थी, दैट ओवर जेनरेशंस द पीपल हु मेक पान हैव सॉर्ट ऑफ लॉस्ट टच विद व्हाट वाज देयर ओरिजिन्स और देयर रूट्स एंड थिंग्स हैव चेंज्ड, इट्स हैज जेंट्रिफाइड। नहीं, नॉट जेंट्रिफाइड। अब देखिए जो भाई साहब आए हैं ये गोवर्धन से आए हैं और इन्होंने कहा कि मैं बहुत पीढ़ी से, कई बरसों से अहमदाबाद में रह रहा हूँ। अब अगर अहमदाबाद का ग्राहक चॉकलेट का मीठा पान खाना चाहता है या टूटी फ्रूटी पान खाना चाहता है, तो उन्होंने अगर अपना धंधा चलाना है तो वो आपको सिखाएंगे थोड़ी कि आप ये पत्ता खाइए और ऐसे खाइए, आप कहेंगे चल चल बकबक न कर, ये पान बनाना तो खिला। अभी उन्होंने पान बनाया, उसमें एक टूथपिक खोंसा है जिसमें एक कैंडिड चेरी रखी हुई है, तो जो मित्र थे मैंने उनसे कहा पहले तो आप ये चेरी फेंक दीजिए ना, उसके बाद पान खाइएगा। तो मतलब अब वो पान मुँह में डालने का साहस मेरा तो नहीं हो रहा है एकाएक, वो बुरा ना माने, मगर मेरा मानना कि धंधा अपनी जगह पे है। वो बंबई में एक मुच्छड़ है जो नेट पे भी हैं, वेब पे भी हैं, दिल्ली में यामो पान पंचायत है, मगर अगर आपको पान खाने, मुझे देखिए अभी भी याद आता है कि करीब 10 साल पुरानी बात है, मैं दिल्ली में मेरे लड़के ने कहा मैं पान खाना चाहता हूँ, तब उसकी उम्र शायद 16-17 साल की थी, नहीं और पुरानी बात है 20 साल पुरानी बात होगी। उस पान वाले ने पान खिलाने से मना कर दिया, उसने कहा बाबूजी आप खाइए पान, लड़के की आदत क्यों ख़राब कर रहे हैं, जब उसने पान खाना होगा वो खुद खा लेगा। अब मुझे लगता नहीं कि ऐसे पान वाले बचे हैं जो आपसे ये कहें कि पान अगर आपने खाना है तो सही सलामत पान खाइए, मगर ये चॉकलेट इलायची मुरब्बा मुरब्बा इसमें न डलवाइए, वो मैं नहीं करता। एक ने मुझसे कहा एक बार कि मीठा पान खाना है, थोड़ा गुलकंद ऑल खाना है, तो उसने कहा बहन जी अगर इससे ज़्यादा मीठा पान खाना है तो सामने हलवाई की दुकान है, गुलाब जामुन खा के आ जाइए। तो मतलब सर आप everything is hinting towards the fact that पान has, you know, नहीं देखिए जैसे आपने जो सवाल पूछा पीढ़ी दर पीढ़ी जी, भाई साहब जो हैं इनकी उम्र माशाल्लाह मुझसे 20-25 साल कम होगी, उसमें से अगर आधी उम्र इनकी अहमदाबाद में बीती है तो इन्होंने महोबा और सांची और मगही वो पान उगाने की जगह कहाँ देखी होंगी। इनके पुरखे यहाँ आकर अगर बस गए होंगे तो जो पान खाने की जगह हैं, अब जैसे पान खाए खुल जाए बंद अकल का ताला, जो आपने देखा बनारस में सबसे प्रसिद्ध पान यूनिवर्सिटी के सामने केशव पान भंडार वाले का है, या गदौलिया में तांबूल बेचते हैं उनका है, वहाँ कोई आदमी इस तरह से पान खा के पिच पिच थूकता नहीं। आप पान मुंह में डालते हैं, पान मुंह में घुलता है, उसका लुआब बनता है।
तो मुझे लगता नहीं कि कोई बनारस में इस तरह पान खाएगा, वो घाटी मवाली होगा जो अपशब्द न समझे इन्हें आप, जो पान इस तरह खाएगा। तो जो पान खाने की संस्कृति थी वो पान लगाने वाले में बचेगी कैसे अगर खाने वाले नहीं बचेंगे? क्योंकि आपने थूकने की बात की सर, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन पान एंड लैक ऑफ सिविक सेंस, खास करके यहाँ पे हम जो रंगारोहण देखते हैं। बेचारे आपके पोस्टर को लोग अभी हंस रहे थे और हम लोग दुखी हो रहे थे कि हमारे पोस्टर को बट ऑफ जोक्स बनाया जा रहा है। मगर इसके लिए बेचारे पान को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? आपने कितनी बार में देखा नहीं कि देखो गधा पेशाब कर रहा है, दीवार के सहारे खड़े होकर लोग सुसु करते हैं, एक धारा विसर्जित करते हैं और उसमें कहते अगर पुलिस देख लेगी तो पकड़ लेगी। तो उसमें पंजाब में हमारे एक मित्र का, अरे आपने तो बड़ी तरक्की कर ली, हमारे यहाँ तो मूत्र विसर्जन के बाद खुद ही पकड़ना पड़ता है, पंजाब में पुलिस पकड़ती है क्या? तो जो सिविक सेंस की बात है वो सिर्फ पान तक क्यों है, वो बाकी जगह सिविक सेंस क्यों नहीं है? क्योंकि पान का सेशन था इसीलिए मैं पान रिलेटेड पूछ रही हूं। आप सोच रहे हैं कि इतना पानी पी के मुझे ये नहीं हो रहा है? नहीं, आई एम श्योर बट स्टिल आई वाज क्यूरियस। सर, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग पान के बारे में आप बता रहे थे मुझे, दैट इट स्टिल इज वन ऑफ द अंडररेटेड एफ्रोडीजियाक्स। मतलब हम जो साउथ में, इफ आई कैन टॉक अबाउट माय साउथ इंडियन कल्चर, शादी के टाइम पान दिया जाता है, सुहागरात के सीन्स में अगर आप देखें तो पान इज सॉर्ट ऑफ देयर टू टॉक अबाउट सिडक्शन। पान टॉक्स अबाउट, यू नो, आई डोंट अंडरस्टैंड द सबटेक्स्ट टू इट, बट मे बी यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग शेक्सपियर प्ले, आई थिंक इज मैकबेथ, द पोर्टर सीन, जिसमें वो कहता है कि अल्कोहल अराउज़ेस द डिजायर बट टेकेथ अवे द परफॉर्मेंस। तो दिक्कत यह है कि अगर बेचारे ब्राइडग्रूम को सुहागरात के दिन परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है तो वो कम से कम ये कहने की हालत में तो रहा कि रात इसलिए कुछ नहीं कर पाया कि पान में तंबाकू ज्यादा था, सर घूम गया था। तो ये एफ्रोडिसियक वाला जो मामला है वो बड़ा टेढ़ा है, कि मैंने काफ़ी एफ्रोडिसियक पर रिसर्च की है, मेरी किताब है काम भोग जो एफ्रोडिसियक फूड्स पर है, आई एम नॉट गिविंग माई सेल्फ अ फ्री प्लग, वो किताब आउट ऑफ प्रिंट है, कोई खरीद भी नहीं सकता। मगर उसमें दिक्कत ये है कि अगर आपको यूएन चार्टर याद आए तो यूएन चार्टर का पहला सेंटेंस है वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मेन। तो मेरा ये मानना है लाइक वॉर बिगिंस इन द माइंड ऑफ मेन, वो इट इज़ नॉट द अंडर द बेल्ट अफेयर, सेक्स बिगिंस हियर नॉट देयर। सो वो दिक्कत ये है कि अगर आपके मन में डिज़ायर नहीं है तो पान कुछ नहीं कर सकता, मगर अगर आपके मन में डिज़ायर का अंगारा राख में दबा है तो पान उसको हवा दे सकता है। क्या बात है। सो ऑल दोज यू नीड टू गेट योर पान्स, यू नो व्हाट टू डू एंड प्लान स्टफ आफ्टरवर्ड्स। बट अनदर थिंग सर, कमिंग टू योर बुक, व्हाट आर द काइंड ऑफ रीजन्स दैट यू हैव सॉर्ट ऑफ गॉन इन डिटेल एंड व्हाट आर द स्टोरीज दैट वन कैन लुक फॉरवर्ड टू इन द बुक? ये किताब मेरे पिताजी के श्राद्ध का तर्पण है कि मैं चूंकि नास्तिक व्यक्ति हूँ, उनके मरने के बाद मैंने शायद विराध पिंडदान आदि कुछ नहीं किया। मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा तुम बड़े हरामजादे हो, तो मैंने कहा नहीं, वो तो तुम भी शायद बराबरी हो सकते हो, अब इसके लिए DNA एनालिसिस कराने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने पिताजी का तर्पण पान के पुराण से करूँ। तो वो पान साल में सिर्फ 4 महीने खाते थे, जब उनका मगही पान एक उनके चौरसिया हरिप्रसाद बांसुरी वादक नहीं चौरसिया थे वो भेजते थे पान उन्हें, और एक बार उन्होंने कहा कि बनारस में खैजा फैला हुआ है और पान की ढोली, जिस ढोली के हिसाब से पान बिकता है उसको वो टोकरी को पानी में भिगा कर भेजते थे, तो उनका पानी कंटामिनेटेड है, इस साल मैं आपको पान नहीं भेजूंगा। तो मुझे याद है उस वर्ष पिताजी ने पान नहीं खाया था, और पिताजी शौकीन व्यक्ति थे, लखनऊ में डॉक्टरी पढ़े थे, तो वो कत्थे की मलाई खाते थे, चूना दूध में भिगाते थे, पान की गिलोरी खस के बक्से में रखते थे, उसको भिगा कर 2 मुहे डालते थे। और उन्हीं ने मुझे तमीज़ सिखाया कि इतदा खा मुतदा खा, इतर फरोश की इलायची दाना मुश्की दाना, तो उसके बाद मेरी कन्नौज की सुगंध में वो हुई। तो मुझे ये लगा कि उस किताब के हिस्से ये हों कि बटुआ भोपाल का हो, पान मगही हो, कत्था कहाँ का हो, दली चिकनी हैदराबाद की हो, सरौता कहाँ का आया हो, किमाम कहाँ से बना हो। तो जब आप ये सब करते हैं तो इस देश की विविधता को आप एक सूत्र में जोड़ रहे हैं। किताब में कोशिश ये की गई है कि पूजा पाठ से पान को लेकर, उत्तर पूर्व के पान से लेकर, कत्थे की फैक्ट्री, चूने की खान, सुपारी के पेड़, पान के प्रकार, अब आप आला उदल महोबा में गाया जाता है और वहाँ महोबा में पान होता है और मगही पान होता है, कोई बनारसी पान नहीं होता, बनारसी पत्ता नहीं होता, वो देसी पत्ता होता है, जगन्नाथी पत्ता होता है। बनारसी पत्ता होता नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा। जो बनारसी पान मशहूर हो गया है कि बेचारे बिहारी लोग बहुत जाके वहाँ बस गए और संस्कृति बनारस की थी। बनारस अगर आप देखें तो बड़ी विचित्र जगह है। हाँ। वो अवध नहीं है, अवध तो समाप्त हो जाता है।
और वो हैदराबाद भी नहीं है, तो ये सब जगह पान खाने की जो तहजीब है वो थोड़ी डिकेडेंट है, मगर उसके मजे तो हैं। अच्छा, और गुजरात के बारे में कुछ है क्या आपके किताब में? नहीं, देखिए गुजरात के बारे में बहुत संक्षेप में है, क्योंकि गुजरात में नागरों में जो पान खाने का तरीका है और चोरवाड़ी पानों का, वो उसका ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जो है वो बहुत लिमिटेड है। वो मतलब उसको आप ये कहें ना कि वो क्वेस्ट ऑफ बेस्ट में वो शैम्पेन नहीं है, वो दार्जिलिंग की टी नहीं है। अच्छा। वो हम खाते हैं बड़ा अच्छा है कि जैसे हमारा खींचू बड़ा अच्छा है, मगर मुँह में डालने लायक नहीं था कल तो मतलब। और मैं ये बड़े आपसे दुख के साथ कह रहा हूँ कि मेरी माँ काठियावाड़ की थी, तो थोड़ा बहुत गुजराती खाने का तमीज़ मेरा था, और मुझे बचपन से गिजू भाई की चौपड़ियाँ पढ़ाई गई, झविचंद मेघाणी पढ़ाया गया, मेरे नाना जी के सहपाठी कुलपति माणिकलाल कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी थे। मगर मुझे बड़ा बुरा ये लगता है कि जब यहाँ वो मुझे कोई माइक्रो में गर्म करके ढोकला खिलाता है, इससे अच्छा ढोकला तो हमारा रिफ्यूजी मार्केट वाला खिलाता था, तो आप मेरे साथ ही अन्याय क्यों करते हैं? तो गुजरात के पान खाने की परंपरा बाहर फैल नहीं पाई, क्योंकि वो जो गुजराती जिस तरह का पान बनता था ना, वो सूरत का जमन काशी का मरणी ठीक था। अच्छा, वो पान का रमण नहीं था यहाँ का। But any other peculiarity of Gujarati paan that you think is worth mentioning? I think shekhadi supari and dhanani dal. I think it's brilliant. If you are having a shekhadi supari is bukan ho, उसको आप पान में डालिए तो आपको और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। आप धानानी दाल डालिए, shekhadi supari का बुरादा डालिए और पान खाइए चैन से। वो पान बिल्कुल फ़र्क पान है गिलोरी से, वो पान बिल्कुल फ़र्क है मगई या किसी और से। अच्छा। क्योंकि धानानी दाल में नमक है और शेकड़ी सुपारी में भुनी सुपारी का स्वाद है। अच्छा। और उसको जब आप खा रहे हैं तो वो पान आपका बिल्कुल दूसरा पान है। वो पान लखनऊ के पान से फ़र्क है, बनारस के पान से फ़र्क है, हैदराबाद के पान से फ़र्क है, कलकतिया पान से फ़र्क है। आपने एक थोड़ा फेमिनिस्ट रिमार्क किया था कि पुरुषों का ये है, मगर आप देखिए जो बंगाली भद्रोक महिलाएं बैठ के दबा के सरोता काट रही हैं और पान चाप रही हैं वो ढकाई साड़ी पहनकर, तो डब्बा ऐसा उन्हीं के पास रहता जी, था किसी पुरुष के पास तो इस तरह का हैंडबैग मैंने देखा नहीं। बप्पी लाहड़ी का शौक होता तो उसको दो माला पहना के पहनने रहा होता। But yeah, I was actually, that was going to be my next question on Bengali women, because I have seen Nani, my Dida, constantly sit and eat paan, and that's a rarity now to see a lot of people, you know, corner mein baithe hue. I've always thought that paan eating, chewing, cutting those leaves have been a great conversation starter. Khaas karke Gujarat ke paan ki dukaanon mein na sir, jab muh mein paan thoos ke baat karta hai aadmi, to samne wala jo paan thoos ke baat karta hai, unhi ka ek conversation hota hai jo dusre ko samajh mein nahi aata. Aap to paan ki dushman hai, ye keh rahi paan muh mein thoos ke. आपने सुना इन्होंने क्या कहा? इन्होंने माँ बहन की गाली दे दी पान को, पान मुँह में ठूस के, मतलब जैसे मुँह का छेद इतना बड़ा था कि उसमें पान ठूसना था। दिस इज द क्लासिक फुट इन द माउथ सिंड्रोम। अरे ये एक गिलोरी उसने उठाई और उसने पेश की और उसने गिलहरी अपने मुँह में दाखिल की और फिर आपने कहा पान चू, वो सारा च्युइंगम था जो पान चबा रहा था मैं, मतलब पान रख के मैं उसका मजा ले रहा था। और पान की दुकान में मैं पान की बात करने थोड़ी गया था, पान की दुकान पे मैं ये बात करने गया था कि पड़ोसी की लड़की भगा के कौन ले गया या पड़ोसी का लड़का साल फेल कब हुआ। तो जो पान की दुकान थी दैट वॉज अ पब्लिक स्पेस एंड पान गया। अब वो पति देर से आ रहा है घर में, वो अपनी रखेल के पास गया था, मगर पत्नी से कह रहा है आज पनवाड़ी की दुकान में कुछ पुराने दोस्त मिल गए थे, क्रिकेट मैच की बात कर रहे थे, देर हो गई। तो पान की दुकान के बहाने बहुत थे। तो मुझे लगता है ना पान तो एक बहाना था, मतलब पान के बहाने बहुत कुछ होता था। वो इस पान बराग में नाश पीटे ने खत्म कर दिया। And what about women and paan eating habits that you have possibly documented, recorded, regional specific? आपने बंगाल की तो बात कर ली, but anything else? नहीं, I think you know there's a very nice valid question. Not that your other questions are not nice and valid. Never mind, sir. Never mind. I get the drift. कि औरत के पान खाने में वही परेशानी थी कि बाई जी पान खिला सकती थी, खा सकती थी, मगर घर की भली औरत अपनी सहेलियों के साथ पान खा सकती थी, पान से होंठ लाल करके बाहर नहीं आ सकती थी। वो क्या वली दखनी यहाँ के बड़े शायर हैं जिनकी दरगाह को आप लोगों ने दुरुस्त रहने नहीं दिया, आप लोगों ने किया, मतलब हम लोगों ने भी उसमें कुछ रोल निभाया। वो कहते हैं कि मैंने जब रकीब के लब सुर्ख देखे पान से तो मेरा दिल चूना हो गया, कि मतलब बार? और वो हाल ये था कि खिलाती थी वो पुरुष मित्र को, मगर वो पान खाती बाहर देखी नहीं जाती थी। जो मैं कुमाऊनी लोकगीत आपसे कह रहा था कि वो महिला कहती है ना बड़े दुख से कि मुझे बीड़ी तो पिला देता है मगर पान सुपारी खुद खाता है। तो वो चक्कर ये था कि महिला के लिए कुछ वर्जनाएं थी, तो उसमें शायद पान भले घर की महिला
नहीं गाती थी, देवदासी नाचती थी, भले घर की महिला रुक्मणी देवी अरंडेल के आने के पहले, मृणाली जी के आने के पहले नहीं गाती थी। सौभाग्य से मृणाली जी मेरी माँ की सहपाठिनी थी शांति निकेतन में, तो मुझे कुछ एहसास इस बात का है कि उस पीढ़ी की महिलाओं ने कितनी वर्जनाएँ तोड़ी और कैसे वो नाच को मंदिर से बाहर लाई। तो मुझे लगता है आपको याद नहीं हुआ, कैरवान ने भी हाल में फोटो छापी थी कि मीरा भजन गाने वाली एम एस सुब्बलक्ष्मी सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ा रही हैं, तो वो पान खा के पिच से थूकती हुई कोई महिला का चित्र आज तक मैंने नहीं देखा है। तो पान वर्जित था संभवतः। But another thing I wanted to ask you, sir, about is any peculiarity, like say pan eating for dummies. काफी लोगों को पता नहीं होता है, लिटरली पान ठूसते हैं, एक पान दे दीजिए। So if there's something you could... एक तो दिया ही नहीं जाता, पान का जोड़ा होता है। क्या बात है, this is something I didn't know. तो पान का जोड़ा होता है, आप बड़ा पान खाएं, छोटा पान खाएं, उसकी गिलोरी बनाकर जोड़ा आपको दिया जाता है, आप चाहे खाएं एक। और अगर पान आपको सही खिलाया जा रहा है तो जो पान जिस पत्ते में लपेटा होगा या कागज के टुकड़े में, कोने में थोड़ा चूना लगा होगा कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, उसे चूने कत्ते का हिसाब कर लें। अच्छा, बिल्कुल। ऐसे कहाँ मिलता है आजकल? मैंने तो जहाँ जहाँ शराफत के पान खाए वहाँ हर जगह मिलता है। अच्छा, clearly we are in the wrong place then. But और क्या है जो जैसे जैसे पान बनवाते हैं, तो what are the things that you should like tell the person to look like, you know your pan? You see, the pan is like an undergarment. Who am I to tell you कि आपने बॉक्सर पहनना है? नहीं, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ ये बात। आप घुटंडा पहनते हैं यहाँ तक का धारीदार, या आप फ्रेंची पहनते हैं, या आप जॉकी पहनते हैं, या आप बॉक्सर पहनते हैं, आप लिबर्टी पहनते हैं कि अमूल पहनते हैं कि मैको पहनते हैं, मैं बताने, अब आपका शौक है, आपने किसी को अंडरवियर पहन के घूमते तो नहीं देखा होगा, मगर उसका रंग लाल हो, पीला हो, उसमें फूल चकत्ते पड़े हों, लोग बड़े देखे हैं कि साहब इसमें लाल रंग का अंडरवियर है, वो मैचिंग नहीं है, पीले रंग का है, तो मतलब मेरे लड़के ने मुझसे पूछे कि तुमको इतनी परेशानी क्यों होती है। मैं बार बार लड़के को ले आता हूँ, मैंने उससे कहा कि भैया कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है, तो ये मेरे और अल्लाह के बीच की बात है। तो जो आपने पान के बारे में पूछा, वो वही स्थिति है कि अगर आपको अपने अंडरवियर के बारे में ज्ञान है, इलास्टिक मोटा वाला है कि पतला वाला है, मेरे समझ में आज तक नहीं आया कि जो पुरुष मित्र मेरे फ्रेंची पहनते हैं वो जब टॉयलेट जाते हैं तो कैसे क्या कुछ करते हैं, उसके बाद हाथ कितनी बार धोते होंगे, एक स्लिट तो उसमें होना चाहिए, लॉन्ग जॉन्स होना चाहिए, वी शेप है कि यू शेप है। अब इसमें मुझे और चुटकुला याद है, जो सज्जन ने पूछा कि भैया तुमको किसी ने ये नहीं सिखाया था कि पेशाब करने के बाद हाथ धोते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं सिखाया, मुझे ये सिखाया था घर में कि पेशाब करते वक्त हाथ में पेशाब नहीं करते हैं। तो भाई साहब, पान खाने का भी वो है कि जो आपका मन है सो आप करें। मैं आपने रुपये, दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये खर्च किए हैं, मगर मेरी गुजारिश इतनी है कि पान को पान ही रहने दें, उसको दारू का जाम न बनाएं, उसको पिज्ज़ा न बनाएं, उसको कबाब न बनाएं, उसको छप्पन मसाले की चाट न बनाएं, अपनी पसंद का पान खाएं और शराफत से खाएं। नहीं नहीं, आपको अगर कोई सवाल पूछना हो, जब सवाल जवाब हो, आप मुझसे कर सकते हैं, आप चौरसिया साहब से कर सकते हैं, राजू भाई से कर सकते हैं। हाँ, यू कैन डायरेक्ट एनी क्वेश्चंस वी जस्ट हैव, बिकॉज़ आई थिंक आई ऑलरेडी गॉट लाइक वन अ कपल ऑफ वार्निंग्स फ्रॉम दैट साइड दैट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो मे बी इफ यू कैन जस्ट क्विकली पास द माइक अराउंड, वी विल टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस दैट कुड बी फॉर पुष्पेश जी और चौरसिया भाई हु इज देयर। दे हैव बीन सर्विंग पान फॉर अबाउट 10-15 इयर्स नाउ इन अहमदाबाद। पुष्पेश जी, अद्भुत है, आप पान की संस्कृति के बहुत श्रेष्ठ, शायद सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तान के संवाहक होंगे, इसमें मैं आज कायल हूँ आपका इस बात को लेकर। मेरा लेकिन एक थोड़ी सी सहमति व्यक्त करना चाहता हूँ प्रीति दास के साथ, इनके सवाल को आपने लगभग उड़ा दिया कि वो जो सिविक सेंस को लेकर एक मुद्दा है और पान बाहर को और इन चीज़ों को लेकर आपने खुद कहा कि उन्होंने पान को तबाह कर दिया और कैंसर जैसी जो एक चीज़ और दे दी भयानक सी, वो अपनी जगह है। मैं इस सारे संदर्भ से आपसे अपेक्षा बनती है मेरी कि आप इसके खिलाफ एक अभियान में क्यों नहीं नेतृत्व लेते या खड़े हो जाते उसके खिलाफ। हम लोगों की कोशिश ये थी कि अगर लोग पान तमीज़ से खाना शुरू करेंगे तो थूकने की नौबत ही नहीं आएगी। पान थूकेगा वो जिसको पान खाने की तमीज़ तहजीब नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि आप ये कोशिश करेंगे कि कुत्ते की तरह जहाँ बिजली का खंभा दिखेगा वहाँ टांग उठाकर पेशाब नहीं करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि सिविक सेंस को लेकर हम पान को ही दोषी क्यों ठहराएं? आप खाने की प्लेट में जूठन क्यों छोड़ते हैं? आप प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होने के बावजूद सड़क पर क्यों फेंकते हैं? मैं दुर्भाग्य से पहाड़ में रहता हूँ और हम लोग गर्मियों में बद्रीनाथ केदारनाथ के पथ पर एक अभियान चलाते हैं कि प्लास्टिक की बोतलें जो पढ़े लिखे लोग अपनी कार से बाहर फेंकते हैं उनको उठाकर जमा कराकर एक जगह बाहर भेजते हैं।
मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, मगर उसकी नौबत क्यों आए, उसकी नौबत ही क्यों आए कि आप अपने कचरे को अपने साथ क्यों न ले जाएं। जैसा वो शौचालयों में लिखा रहता है ना कि अपने किए पर पानी फेरें, तो मतलब उसको समाप्त करते जाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं, आप जो लोग पूछना चाहें उनसे पूछना चाहें। बिल्कुल नहीं, देखिए संक्षेप यह है कि अगली वक्ता आई नहीं है, हम लोगों के साथ ये जिम्मेदारी कि हम आप लोगों का मनोरंजन करते रहें, तो जो बंदरिया आपके सामने है वो नाचती रहेगी, आप चिंता ना करें। वेरी फनी, देयर वाज अनदर हैंड रेज्ड अप देयर, आई थिंक ओके सर, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के हिसाब से कश्मीर रिलेटेड, कश्मीर रीजन में पान का कुछ तहजीब तमीज़ है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, आपने जो सवाल पूछा वो बड़ा टेढ़ा है, मैं उसका उत्तर आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कश्मीर में तीन पाते हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य, अब बैठ जाना, मतलब कोई क्लास में सज़ा थोड़ी हो रही है कि आपको स्टैंड अप करना है। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में तीन हिस्से हैं, जम्मू का इलाका है, कश्मीर की वादी है और लद्दाख का इलाका है। राज वहाँ हरि सिंह का था और कश्मीर की वादी में आबादी का घनत्व शिया मुसलमानों का था, और उसमें दो तरह के मुसलमान थे, अशरफ मुसलमान थे और शिकारे वाले हाजी मुसलमान थे। तो जो बेचारे हाजी मुसलमान थे उनकी हालत दलित उत्पीड़ितों जैसी थी, जो पंडित थे ब्राह्मण थे या डोगरे राजा थे वो सारे उनके लिबास थे। डोगरा शाही वंश जो था वो ईश्वर झूठ न बुलवाए, वो महाराजा हरि सिंह के खिलाफ तो प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था मिस्टर एक्स वाला पेरिस में। तो जो लोग थे जो सामंत थे उनके टोटके सारे वो थे जो मुगल बादशाहों के थे, और अगर आप कश्मीर के राजवंश को देखें तो वो राजवंश की नींव रखी गई थी रंजीत सिंह डोगरा के काल में, जो गुलाब सिंह जी को के पुरखों को वहाँ भेजा गया था, गुलाब सिंह जनरल के। तो कुल मिलाकर वो लोग डोगरे थे जिनका पान की तहजीब से कोई वास्ता नहीं था, और सिखों के दरबार में भी पान का कोई रिवाज नहीं था। तो ये जो हिस्सा था, जो आखिरी मुगल बादशाह वहाँ जाता था वो जहांगीर था, उसका बेटा शाहजहाँ का बेटा दारा शिकोह था, तो दारा शिकोह परिमहल में रहता था, पान खाने से ज़्यादा व्यस्त वो अपनी बहन के साथ रहा करता था। तो वो सारे किस्से ऐसे हैं कि वो पान का रिवाज कश्मीर में लगभग नहीं के बराबर है जहाँ तक मेरी जानकारी है, और पान खाने का जो दस्तूर है, चलन है, वो या तो लखनऊ के इलाके में है या भोपाल के इलाके में है या हैदराबाद के इलाके में है। आप बताएं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं? सर मुगल्स बेसिकली दे केम फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ कश्मीर, बाबर, तो सर उनके साथ ऐसा कुछ रिलेशन था? माफ कीजिएगा, नॉर्थ ऑफ कश्मीर इज लद्दाख, नॉर्थ ऑफ कश्मीर इज नॉट पर्शिया फरगना, नॉर्थ वेस्ट, नो नॉर्थ वेस्ट में भी अगर आप देखें बाबर किस रास्ते आया है, आई थिंक यू नो, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ कि बाबर के आने के पहले पान, हजार साल पहले पान आ चुका था हिंदुस्तान में, और दक्षिण भारत में आया था, उड़ीसा में आया था, केरल और तमिलनाडु में आया था। इसका मुगल से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं, और जो हैदराबाद में इसका रिवाज है वो निज़ाम के राज से नहीं है, वो महमूद गवान के ज़माने से है, जो करमान शाही सूफी संतनों, देखिए सूफी, अब आपको जानकारी जाहिर है आप कश्मीर से वाकिफ़ हैं, तो नक्शबंदी सिलसिला है, चिश्तिया सिलसिला है, करमान शाही सिलसिला है, सोहरावर्दी सिलसिला है, मियाँ मार वाला सिलसिला, मियाँ मीर वाला सिलसिला है, तो ये सिलसिले जो हैं, चिश्तिया सिलसिला है, तो ये जो सूफियों के सिलसिले में करमान शाही सूफी संत थे, उनके दीदार के लिए ईरान से महमूद गवान नामक आदमी आया था, जो दखनी फैक्शन था और फक्की फैक्शन था बहमनी सल्तनत में। तो पान खाने का रिवाज हैदराबाद में मुगलों का नहीं है, मुगलों से बहुत पहले का है। अगर आप केरल में जाएं तो वहाँ का जो हलवा है, वहाँ का जो हरीसा है, वहाँ का जो अलीसा है, वहाँ का जो हलीम है, वो मुगलों का लाया नहीं है, उनके कौरमे, उनके कलिए, उनके पुलाव बिल्कुल मुख्तलिफ दखनी अरबी हैं, और जो मुगलों के हैं वो फारसी पर्शियन हैं। मगर जो आप रूट बतला रहे हैं उसके लिए मुगलों के आने की ज़रूरत नहीं थी, मुगलों के हिंदुस्तान में पहुंचने के कई सौ साल पहले एक रेशम राजमार्ग था जो शुरू करता था चीन से और तुर्की तक जाता था, उसमें रेशम भी जाता था, उसमें बुद्धिस्ट मंक्स भी जाते थे, उसमें खाना भी आता था। तो जो लद्दाख की रोटी है वो सेंट्रल एशियन रोटी है, जो समोसा है वो उज़्बेकिस्तान का समोसा है, तो पान का उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पान की खेती ट्रॉपिकल इलाके में होती है, और जो इसका एरिका नट का पाम है वो कोस्टल है, तो अब जाहिर है कश्मीर के इर्द गिर्द न तो कोई कोस्ट है न कोई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो पान वहाँ था नहीं।
none of us are going to look at pan like we ever did. We have just time for two more questions. Maybe the lady in front. Yes, sir. Oh, sorry. Sorry, didn't see you, sir. Sir, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पान का क्या रोल था और राजपूत कितना पसंद करते थे इसको सर? नहीं, देखिए राजपूत हर उस चीज को इस्तेमाल करते थे. अब आपने बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग किया, आपने कहा राजपूत. तो क्या राजपूत क्षत्रिय थे? यदि आप इतिहास की किताब देखें तो सूर्यवंशी राजपूत हैं, चंद्रवंशी राजपूत हैं और अग्निकुलिक राजपूत हैं. तो अग्निकुलिक राजपूत वो हैं जो शायद मूलतः क्षत्रिय नहीं थे. और राजपूत शब्द है राजपुत्र से. तो एक राजा का लड़का था जो जायज़ लड़का था, एक था जो नाजायज़ तो ना कहिए मगर बांदी का सहेली का था, तो जो राव राजा राजस्थान में कहलाता है. तो उनके ठिकाने थे, उनकी रियासतें थीं. अब जब उनकी शादियां जयपुर वालों की मुग़लों से होने लगीं तो फिर उन्होंने वो कुछ रीति रिवाज रस्म व रिवाज अख्तियार कर लिए. अब पान में एक और है कि पान खा के आपकी जात ख़राब नहीं होती ना. पान आप किसी के हाथ का खा सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं. तो राजपूत अपनी नाक भी ऊँची रख सकता था, मूंछ भी ऊँची रख सकता था और पान किसी के हाथ का भी खा सकता था, पान किसी को खिला भी सकता था. तो मुझे लगता है जो आपका सवाल है, मगर पान खाने का कल्चर, पान खाने की संस्कृति राजस्थान में भी उसी कारण से नहीं है जिस कारण से कश्मीर में नहीं है. यदि कश्मीर में पान खाने वाले होते तो उन्होंने शायद पान के संग बहुत कुछ किया होता. मगर केरल में पान खाने के लिए सारी संभावनाएं हैं, इलायची है, लौंग है, मगर पान खाने का रिवाज दक्षिण में भी ज़्यादा नहीं है. अगर आप देखेंगे तो ये रिवाज वहाँ है जहाँ सामंती संस्कृति भी थी और आपको फुर्सत भी थी कि करने को कुछ नहीं था, पान लगा रहे हैं और खा रहे हैं. मैंने देखिए मेवाड़ के राजघराने में खाने का सौभाग्य मिला है, जोधपुर में मिला है, जयपुर में मिला है, कोटा में मिला है, बूंदी में मिला है, ठिकानों में ओसिया में मिला है, रोहित में मिला है, मगर मैंने कहीं पान शौक से किसी ने खिलाया हो जैसलमेर के महारावल ने, उन्होंने बल्कि ये कहा कि स्मिरनॉफ पीनी हो तो बोतल पड़ी है थोड़ी, शाम को वोदका इकट्ठी पी लेंगे. पान खिलाने का मज़ा राज नवाब साहब महमूदाबाद के पास था, जहांगीराबाद के पास था, कोटवारा में मुजफ्फर अली साहब के पास था, जिन्होंने आप वो तो भी दिखाने वाली थी उमराम जान का शो, आपने दिखाया नहीं. जो कहते हैं अरे साहब पान तो हम आपको खिलाएंगे, आपने पान अब तक खाया नहीं होगा. तो मुझे लगता है कि वो कल्चर भोपाल में है, वो कल्चर बनारस में अब ख़त्म हो रहा है, लखनऊ में लगभग ख़त्म हो चुका है. मगर ये तो मेरा ये जो कि जिस किताब को लेके वो सारा अट्रैक्शन था वो यही था कि पान पूरी तरह मरे इसके पहले ये राम नाम सत्य कर दी जाए पान के नाम के. सो दिस वन क्वेश्चन जी. सॉरी देखिए शराब के शौकीन दो कारणों से होते हैं. वो शराब के ही शौकीन नहीं होते, वो अफीम के शौकीन भी होते हैं. क्योंकि अगर आपसे कोई कहे कि आपसे क्यों कोई कहे आप तो शतायु रहे कि तुम्हारी पत्नी को सती होना है तुम्हारे बाद, तो वो बेचारी आग के चिता में बैठेगी कैसे जब तक वो अफीम पी के इतनी खुल नहीं होगी, उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है. आप अगर सर कटाने बाहर जा रहे हैं, लड़की न्योछावर करने की पीठ न दिखाएं, तो आप कुछ ना कुछ तो नशा करके गाफिल होंगे ना. कि जो ये अब अगर आप विल बिच फिनिश बचिए अब घंटी बज गई है, तो जो अंग्रेजी का शब्द एसेसिन है वो मूलतः हैशेशिन से बना है कि हैश यानी जो गांजा चरस होता था उसको दबा के आपने उसकी लॉ लगी हुई है और उसके बाद आप जा रहे हैं. शराब पे शायद अगला सेशन अगले साल रखेंगे, तब वी विल हैव मोर डिटेल्स ऑन इट. बट वी हैव टाइम फॉर जस्ट वन क्विक क्वेश्चन. मे बी द लेडी इन फ्रंट हियर. पुष्पेश जी, आपने पान की इतनी बात की तो उसका एक जो मेन इंग्रेडिएंट है सोपारी, तो ऑस्ट्रेलिया के एब्रोजिनीस, इंडोनेशिया और पापा न्यू गिनी के लोग कच्ची सुपारी खाते हैं और वो कच्ची सुपारी भी अपने चूने की तरह खाते हैं, तो सुपारी का क्या महत्व है? ये एक क्वेश्चन था. नहीं, दूसरा एक ही बात की है कि वैष्णव धर्म में मंदिर के साथ प्रसाद में पान देते हैं, तो इसका रिलीजन के साथ क्या? देखिए तीन कारण है. जो आपका पहला प्रश्न है उसका उत्तर बहुत सीधा है. जैसे पान दक्षिण पूर्व एशिया से आया है, सुपारी भी दक्षिण पूर्व एशिया से आई है. जो पूगी फल कहलाता है, तांबूल कहलाता है, मैंने जिक्र किया था कि हमारे उत्तर पूर्व में भी जो दक्षिण पूर्व एशिया से मिला हिस्सा है, फर्मेंटेड सुपारी चूने के साथ वैसे ही खाई जाती है. तो तांबूल शब्द पान के लिए नहीं है, उस सुपारी के लिए है. तो ऑस्ट्रेलिया में उसका जो होना बिल्कुल स्वाभाविक मुझे लगता है, कंबोडिया में खाया जाता है, लाओस में खाया जाता है. जहाँ तक पूजा वाला प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि जो एग्जॉटिक चीज़ होती है उसको आप देवता को अर्पित करते हैं. तो पहले पहले जब पान आया तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम मंत्र है कि पत्र पुष्प फल तोय. तो ऐसा पत्ता जो पूरा संपूर्ण हो आकार में आप देवता को दे रहे हैं. मैंने वो कहानी भी आपसे अर्पित की थी कि पार्वती जब शिव की कामना करती थी तो तब से ये परंपरा चली आ रही है. दो पत्ते हैं जो पवित्र हैं, तीन, केले का पेड़ और केले के पत्ते, आम और आम की मंजरी और पान का पत्ता.
One last question from the lady, so that this. Namaskar, sir. Thank you for an enlightening lecture, because I am a tutti frutti pan eater. Hi, Ram. But my question is, sir, aap paan khane ki tehzeeb ke bare mein baat kar rahe hain. So, at one go, how many, matlab paan ke kitne beeda khana is polite? Polite to yaar bharchuli mein agar aapka man kar raha hai to aap khate rahiye jab tak khilane wala try karke mana na kar de. Aapne tutti frutti ice cream ki baat ki, how polite it is to eat. Abhi inse mitra se baat ho rahi thi, kitne kabab khana theek hai, kitne kilo, kitne gram pizza mein khana theek hai, kitni pastry khana theek hai. Magar mera maan hai agar tameez ki baat karengi to ek beede mein do joda aapko mil raha hai, wo joda muh mein daliye aur maniye ki agli baar bhi khane ko mil jayega, akal nahi pad raha paan ka. There's no time now, I think. So what we're going to do is quickly ask Raju Bhai. Could we have a huge round of applause here for Raju Bhai, who's volunteered to come? So maybe he's going to quickly distribute some paan to all of you, so that how do you eat it after the fact that he said you're not supposed to? Don't spit it out, just swallow it and but thank you so much. We are running really late and we're going to start the next session in a couple of audience. Pushpesh ji, thank you so much. I'm sure most of us sitting here will think twice and enjoy and then relish our paans now. Thank you so much. It was wonderful talking to you. My name is Preeti Das, and thank you all for coming for this session today. Thank you. Awesome.